नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं कारक प्रकरण लेकर। और कारक प्रकरण में हम पढ़ रहे हैं, कारक है हमारा अपादान कारक। और अपादान कारक में जो विभक्ति आती है विद्यार्थियों, वह कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति। आपने सूत्र पढ़ा हुआ है अपादाने पंचमी। अब देखिए, अपादाने पंचमी जो विभक्ति है, अपादाने पंचमी विभक्ति जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, एक वार्तिक है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। अर्थात जुगुप्सा कहते हैं घृणा को, विराम कहते हैं रुकना, और प्रमाद कहते हैं असावधानी को। ये जब धातुएं आ जाएं तो इनका जो कारक होगा उसको क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो आप जानते हैं कि अपादान पंचमी से उसमें आ जाती है पंचमी विभक्ति। जैसे देखिए, आप लिखेंगे पाप से घृणा करता है, ठीक है। तो देखिए, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, पापात जुगुप्सते। अब देखिए, आपको बताएं, पाप है वह घृणा का क्या है? कारक है। और घृणा का कारक है तो घृणा का कारक होने के कारण से इस पाप में अपादान संज्ञा होकर के अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति आ जाती है। मान लीजिए यह सूत्र आ जाता है वार्तिक सूत्र व्याख्या के लिए, तो सबसे पहले तो आप ये अर्थ लिखेंगे, फिर लिखेंगे उदाहरण पापात जुगुप्सते, और फिर आप इसमें स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इस उदाहरण में जो जुगुप्सा धातु है, उस जुगुप्सा धातु का जो कारक है वह पाप है। तो पाप की प्रकृत सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान संज्ञा होकर के अपादाने पंचमी सूत्र से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। फिर देखिए, एक सूत्र है पाप से रुकता है, क्या है? पाप से रुकता है। तो आप लिखेंगे पापात विरमति, पाप से रुकता है, तो पापात विरमति, पाप से रुकता है। अब देखिए, अब जैसे एक बात की बना देते हैं हम, धर्म से प्रमाद करता है, तो आप वाक्य बना देंगे धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। तो ये उदाहरण है, आपको ये ध्यान रखना है कि इन धातुओं के योग में क्या होता है, जो कारक होगा उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान संज्ञा होकर के उस कारक में क्या आ जाती है विद्यार्थियों? पंचमी विभक्ति आ जाती है। जैसे देखिए, वाक्य है वह जौ से इन पशुओं को
सॉरी ये दूसरा है, इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने ये समझ लिया होगा। अब देखिए इसी में हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। अब देखिए यह दूसरा सूत्र है और सूत्र है भी त्रार्थानाम भय हेतुः। भी जो धातु होती है वह डरने अर्थ में होती है और त्रा धातु होती है विद्यार्थियों रक्षा करने अर्थ में। तो इसमें यह बताया है कि भी त्रार्थानाम, या तो कोई ऐसी धातु हो जो भय का यानी डरने का अर्थ देती है और या फिर ऐसी धातु हो जो रक्षा अर्थ में आती है। तो उनका जो भय का हेतु होता है, भय का हेतु किसको कहेंगे, जिससे डर रहा है यानी जो कारण है डरने का, भय का जो कारण है, जो डरने का कारण है, उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और जब अपादान संज्ञा हो जाती है आप उसमें अपादाने पंचमी से क्या कर देंगे, पंचमी विभक्ति। देखिए जैसे आप लिखेंगे आप लिखते हैं जैसे बालक चोर से डरता है, यह वाक्य है विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे देखिए बालक चोरात बिभेति। तो अब आप देखेंगे ये जो वाक्य है कि चोरात विभेति, बालक चोर से डरता है, तो इसमें जो डर है, डर किससे हो रहा है, चोर से हो रहा है। डर का कारण क्या है, चोर है। और जब डर का कारण चोर है विद्यार्थियों, तो ये जो चोर है इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और जब इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। ऐसे ही देखिए एक वाक्य है कि वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। इसको हम वाक्य को ऐसे बना लेते हैं, ब्राह्मण देखिए चोरात चोर से रक्षा करता है, करता है, यह भी वाक्य है। तो चोरात त्रायते। अब देखिए किससे रक्षा की जा रही है, चोर से की जा रही है, चोर से की जा रही है। तो क्या होगा, इस चोर की अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी। जब आप इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे विद्यार्थियों, तो देखिए आप लिखेंगे जैसे आप लिख देंगे स्पष्टीकरण, तो आप लिखेंगे उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में भय का हेतु चोर होने से प्रकृत सूत्र से चोर को अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, विभक्ति लगती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिख देंगे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से देखिए दूसरे भी उदाहरण है इसके,
अन्य उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे बालकः राक्षसाद विभीति, बालक राक्षस से डरता है। आप लिखेंगे ब्राह्मणः कन्याम राक्षसाद त्रायते, त्रायते आ जाए, रक्षति आ जाए। ये सब कैसी हैं विद्यार्थियों? रक्षा अर्थ में प्रयुक्त होती हैं, और रक्षा अर्थ में प्रयुक्त होती हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रकृत सूत्र से उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी। अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही, आगे वाले लेक्चर में हम उपस्थित होंगे कारक का अगला सूत्र लेकर के। जय हिंद, जय भारत।